बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ चुका है सामने। ये बड़ा फैसला दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि न विश्वास प्रस्ताव खारिज होगा न ही संसद को भंग किया जाएगा। साथ ही साथ पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के डेप्यूटी स्पीकर के फैसले को असंवैधानिक करार दिया गया। पाकिस्तान में जारी सियासी घमासान पर सुप्रीम कोर्ट ने संसद को भंग करने के मामले पर अपना फैसला दे दिया है। कोर्ट ने नेशनल असेंबली के डेप्यूटी स्पीकर के फैसले को गैर संवैधानिक करार दे दिया है। अब अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कल होने जा रही है। वहीं चुनाव आयोग ने साफ कहा कि हम चुनाव आयोग जो है चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार, कहना इलेक्शन कमीशन का। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्ताव खारिज नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विपक्षी दलों ने पाकिस्तान में जश्न मनाया है और बिलावल ने तो कह दिया कि हमारी ही सरकार बनकर रहेगी। और ये छह बड़ी तस्वीरें आपके सामने हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर कल वोटिंग, आखिरी गेंद तक खेलूंगा। पहले दिन से इमरान अपनी इस बात पर कायम है। पाक में जश्न का माहौल विपक्षी दलों द्वारा मनाया गया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम चुनाव को तैयार हैं, प्रस्ताव खारिज नहीं होगा, यह सुप्रीम कोर्ट का कहना, और हमारी सरकार बनकर रहेगी। यह बिलावल का बड़ा बयान सामने आया। तो 48 घंटे के पीएम इमरान। इस बीच पाकिस्तान के 10 अपडेट इस वक्त आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं। ना विश्वास प्रस्ताव खारिज ना संसद भंग, कहना सुप्रीम कोर्ट का ये पहला बड़ा अपडेट। और डेप्यूटी स्पीकर का फैसला संवैधानिक कहा गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। इसके अलावा किसी को वोटिंग से रोक नहीं सकते हैं आप, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ लहजे में कह दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ नेशनल असेंबली बहाल। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पाकिस्तान में जश्न की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और जो पूरा विपक्षी खेमा है उसका सरकार बनाने का दावा भी लगातार सामने आ रहा है। सातवां अपडेट, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विपक्ष में जमकर स्वागत किया गया। आठवां अपडेट, आज इमरान खान देश को संबोधित करेंगे। देश के नाम क्या होगा इमरान का संदेश, उस पर रहेगी नजर। आज इमरान खान कैबिनेट की मीटिंग लेने वाले हैं। इमरान खान ने साफ लहजे में कह दिया और बार बार कहा है कि अंतिम गेंद तक खेलूंगा। तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला दे दिया। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ना विश्वास प्रस्ताव खारिज होगा ना संसद भंग होगी। साथ ही पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के डेप्यूटी स्पीकर के फैसले को असंवैधानिक करार दे दिया गया है। स्पीकर का फैसला कानून के खिलाफ कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कहा अविश्वास प्रस्ताव खारिज नहीं होगा, ना विश्वास प्रस्ताव खारिज होने वाला है और ना ही संसद भंग की जाएगी। साथ ही पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के डेप्यूटी स्पीकर के फैसले को असंवैधानिक करार दिया गया है। तो कह सकते हैं कि इमरान खान अपनी इस फाइनल मुकाबले में, फाइनल मैच में हिट विकेट हो चुके हैं और ऐसा ही लग रहा है जिस तरीके से न तो विश्वास प्रस्ताव खारिज होगा न ही संसद भंग की जाएगी। डेप्यूटी स्पीकर का फैसला असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट का कहना। और बार बार इमरान खान ने कहा कि अंतिम गेंद तक मैं लड़ता रहूंगा। देश के नाम संबोधन है और साथ ही पीटीआई के संसदीय दल की बैठक को भी बुलवाया गया है। आज कैबिनेट की मीटिंग को बुलवाया गया है। तो अंतिम गेंद तक मैं खेलूंगा, साथ ही साथ इमरान खान देश को आज संबोधित करने जा रहे हैं। कैबिनेट की बैठक बुलवाई है। इमरान खान ने साफ साफ कह दिया है कि मैं आखिरी गेंद तक खेल कर रहूंगा और पहले दिन से इमरान अपनी इस बात पर कायम है, आखिरी गेंद तक मैं लड़ूंगा, अंतिम गेंद तक मैं खेलूंगा। तो इमरान खान अपनी इस फाइनल मुकाबले में हिट विकेट हो गए और ऐसा वाकई में लगता है। कैसे लगता है, क्यों ऐसा लगता है, वो आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाउंसर से इमरान पूरी तरह चित्त हो चुके हैं, चारों खाने चित्त हो चुके हैं इमरान खान। और कल अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होने वाली और आदेश के बाद संसद बहाल। इमरान की जो बड़ी सियासी फजीहत है उससे ऐसा ही मालूम पड़ रहा है
ये जो हिट विकेट हुए हैं इमरान खान, उनकी कुर्सी जाना तय हो गया है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव में अल्पमत में सरकार है, विपक्ष ने सरकार का दावा पेश कर सकता है और लगातार ये दावा पेश किया भी जा रहा है। इस आदेश के बाद संसद बहाल और किस तरीके से एक बड़ी सियासी फजीहत इमरान की होगी, होती नजर भी आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बाउंसर दिया है उससे इमरान खान चारों खाने चित हुए हैं और कल अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। इस आदेश के बाद संसद बहाल, तो इमरान खान का कुर्सी से जाना तय माना जा रहा। पाकिस्तान की रात कुछ यूं गुलजार थी। कराची के चौरंगी से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान तक जश्न के पटाखों से आसमान रोशन हो रहा था। भुट्टो की पार्टी के समर्थकों के लिए तो रमजान खत्म होने से पहले ही ईद की खुशियां मिल गई थी। इमरान के विरोधी हर पाकिस्तानी को पता था कि सुप्रीम कोर्ट ने कितना बड़ा काम किया है। इमरान को ऐसी शिकस्त मिली थी कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता ढोल ताशे पर ठुमक रहे थे। भुट्टो की पार्टी के सांसद अब्दुल कादर पटेल तो खुशी के मारे नोट लुटाए जा रहे थे। जश्न की शुरुआत इमरान और उनके कारिंदों के खिलाफ नारेबाजी से हुई। पीपीपी सांसद अब्दुल कादर का जोश देखते ही बन रहा था। बिलावल भुट्टो मुस्कुराए जा रहे थे और अब्दुल कादर इमरान खान से लेकर उनकी कैबिनेट के चेहरों को शिकस्त देने वाले नारे लगाते जा रहे थे। पाकिस्तान के शहर शहर भुट्टो की पार्टी के जयकारों से रात गूंज रही थी। एक तरफ पीपीपी और पीएमएलएन के समर्थक जश्न में मशगूल थे, तो दूसरी ओर पाकिस्तानी डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नेताओं का मुंह मीठा हो रहा था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने जा रहे शहबाज शरीफ बारी बारी से पीडीएम के नेताओं से गले मिल रहे थे, उन्हें बधाइयां दे रहे थे, उनसे मुबारकबाद समेटते जा रहे थे। पीपीपी नेता बिलावल भुट्टो तो अभी से शहबाज शरीफ को वजीर आजम कहकर बुलाने लगे थे। इमरान खान को जो कुछ भी करना है उनके पास कल का आखिरी दिन, क्योंकि जुम्मे के गुजरते ही जब 10 तारीख आएगी तो इमरान खान को पाकिस्तानी संसद में विश्वास मत पर वोटिंग की उस आखिरी गेंद का सामना करना पड़ेगा, जिस पर उन्हें या तो आउट होना है या हिट विकेट। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पाकिस्तान में जारी सियासी घमासान की शुरुआत कहां से होती है, कब कब क्या क्या हुआ, ये विस्तार के साथ एक टाइमलाइन के माध्यम से आपको समझाते हैं। 8 मार्च वो तारीख थी जब इमरान के खिलाफ विपक्ष का विश्वास प्रस्ताव पेश हुआ। इसके बाद 12 दिन बाद 20 मार्च को, 25 मार्च की भी बात बताते हैं आपको, 20 मार्च को इस तरीके से नेशनल असेंबली का सत्र बुलाने का ऐलान हुआ है। 25 मार्च को ये बुलवाई गई नेशनल असेंबली, अविश्वास प्रस्ताव पेश किए बिना स्थगित कर दी गई। 27 मार्च इमरान ने रैली में विदेशी साजिश का आरोप लगा दिया था और 28 मार्च को शहबाज शरीफ ने अविश्वास प्रस्ताव को पेश किया। 30 मार्च इमरान सरकार अल्पमत में आ गई थी। 31 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के लिए नेशनल असेंबली की बैठक बुलवाई गई। 1 अप्रैल
इमरान का राष्ट्र के नाम संबोधन हुआ, विदेशी साजिश का आरोप फिर से लगाया गया और 3 अप्रैल को डेप्यूटी स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया। 3 अप्रैल को ही इमरान की सलाह पर राष्ट्रपति ने नेशनल असेंबली को भंग कर दिया और 3 अप्रैल को ही पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया। 7 अप्रैल यानी कल सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, विश्वास प्रस्ताव खारिज नहीं, वोटिंग करवाई जाए कहा गया। तो लगातार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पाकिस्तान में जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हम सरकार बनाने जा रहे कहना है बिलावल भुट्टो का। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विपक्ष ने जमकर स्वागत किया, साथ ही साथ जो बिलावल भुट्टो हैं उन्हें काम सरकार बनाने जा रहे हैं कहा गया बिलावल भुट्टो द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के कल सामने आने के बाद से पाकिस्तान में जश्न का माहौल लगातार देखा जा रहा है। विपक्ष ने इस फैसले का स्वागत किया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विपक्ष द्वारा स्वागत किया गया। तो हम सरकार बनाने जा रहे हैं बिलावल भुट्टो का, ये बड़ा बयान सामने आया सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लगातार जश्न की तस्वीरें पाकिस्तान से सामने आती हैं। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।